हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली के नहीं आया तो मैं हूं केबी सर। और आज हम लोग करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो आज हम लोग जो भी चर्चाएं करेंगे बच्चों वो इंक्लाइंड प्लेन के लिए करेंगे कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना डिस्टेंस होता है, कैसे कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, इन सभी चीजों की चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं बच्चों ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे। ओके, तो बच्चों अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो इस चैनल पे तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलना। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो बच्चों, ताकि ये हर बच्चे तक पहुंचे, है ना। चलिए तो बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन की। सबसे पहले तो हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के बारे में समझ रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है जरा हम लोग इसको समझ लें। ओके, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये कुछ इस तरीके से, हाँ इस तरीके से कुछ बनाया गया है, ये एंगल अगर मैं बोलता हूँ थीटा है, ये एंगल मैं बोलता हूँ थीटा है। बच्चों देखो, ये प्लेन तो ये एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे इसको हमने इंक्लाइन करा, ठीक है। इस प्लेन को अपन लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। ये जो प्लेन है बच्चों, इस प्लेन को ये ए बी एंड सी बोल दूं तो जो ए सी प्लेन है बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। इसी प्लेन को अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, जो थीटा एंगल पे है। ओके, तो अब जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक बात। चलिए अब मैं कहता हूं कि कोई एक ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है जिसका मास है एम, ठीक है। अब एक बात देखो बच्चों, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दो तीन बातें आपको समझना है। पहली बात तो ये, मैंने इस ब्लॉक को, सपोज करिए मैं इस ब्लॉक को कुछ इस तरीके से यहां पे रख दिया था, और मैंने क्या करा बच्चों, इसको फील करो, मैंने इसको ऐसे उठाना स्टार्ट करा, ये इंक्लाइन करना स्टार्ट करा, एंगल देता गया देता गया देता गया देता गया देता गया, एक एंगल थीटा पे आने के बाद कोई भी एंगल दे सकता है, वो ये चलना स्टार्ट कर दिया। बट यहां पे इनिशियली ये क्या बच्चों, इनिशियली कहां पे है, ये रेस्ट पे है, और यहां पे भी क्या होगा भाई, रेस्ट पे होगा। बट अब क्या है, जैसे हमने इसको इंक्लाइन करा ये चलना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं, ये इधर की तरफ क्या करना होगा, चलना स्टार्ट कर देगा। तो बच्चों ये चलना इसलिए स्टार्ट करेगा क्योंकि यहां पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी तो चल रहा है भाई, फोर्स लग रहा है तभी तो एक्सेलरेट हो रहा है, कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा बच्चों तभी एक्सेलरेट हो रहा है। तो जरा उसको भी समझते हैं बच्चों। अब जैसे मेरी ये ब्लॉक जो है जब यहां पे था तो नीचे की तरफ बच्चों क्या लग रहा था, mg लग रहा था। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि धरती में ये अपनी तरफ क्या करती है बच्चों, खींचती हैं, है ना। तो ये धरती में ये अपनी तरफ खींच रही थी mg से। ओके, यहाँ पे n बैलेंस कर रहा था, ठीक है, n इस पे ऊपर की तरफ लग रहा था, ये बातें तो लग ही रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ उठाऊंगा, जैसे मैं बच्चों इसको ऊपर की तरफ उठाऊंगा, ये तो ऐसा तो है नहीं कि धरती मैया इधर शिफ्ट हो जाएंगी, है कि नहीं। ऐसा है क्या कि ये धरती मैया जो है, ये अर्थ जो है, ये यहाँ पे उधर खींच रही थी तो अभी ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये इधर शिफ्ट हो गई और फिर ये mg इधर की तरफ लगेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, धरती मैया तो वहीं पे रहेंगे, है ना। अब क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ये जो mg फोर्स लग रहा था वो डायरेक्शन तो अब ऐसे ही रहेगा, ये डायरेक्शन तो mg नीचे की तरफ रहेगा ही रहेगा। बट यहाँ जो एंगल बना रहा बच्चों, ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा बच्चों वो भी क्या होगा, वो थीटा ही बनाएगा। तो ये mg का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, mg cos थीटा, और n तो ऊपर की तरफ लग ही रहा होगा, ये n इसके ऊपर लग ही रहा होगा, प्लस इसका ये कंपोनेंट, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, ये mg cos थीटा है तो ये कितना हो गया बच्चों, ये mg sin थीटा हो गया। ओके, समझ पा रहे हो, ये इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। तो अलोंग द प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो लगेगा वो क्या लगेगा, mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन क्या लगेगा, mg cos थीटा। तो इसको लिख भी लेते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि यहां पे ये जो है mg cos थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसके, अलोंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके, ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, ये इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जबकि mg sin थीटा क्या है, ये क्या भाई, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, देखो बच्चों इस प्लेन के अलोंग है, है ना। तो एक बात देखो, चीजें और समझो बच्चों, यहां पे mg क्या था, यहां पे ये mg एक फोर्स है कि नहीं,
ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बच्चों, ये एमजी एक फोर्स है, ठीक है, जिसको तुम वेट भी बोल देते हो, है ना। तो ये फोर्स है, तो ये फोर्स का एक कंपोनेंट कौन सा हुआ, एमजी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट क्या हुआ, एमजी कॉस थीटा। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो ये कि ये एमजी कॉस थीटा का डायरेक्शन ये और एन का डायरेक्शन ये, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एन इक्वल टू क्या है, एमजी कॉस थीटा है। एंड यहां पे देखो ये वाला फोर्स कहीं बैलेंस हो रहा है क्या, mg sin theta बैलेंस हो रहा है क्या, नहीं। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों कि अगर ये m मास था, ठीक है, तो यहां पे जो along the plane लग रहा है, along the inclined plane जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, mg sin theta लग रहा है, ओके, mg sin theta लग रहा है। और अगर मुझे acceleration निकालना हो तो मैं क्या लिखता हूं, net driving force by mass, तो net driving force क्या लग रहा है बच्चों, mg sin theta लग रहा है, तो मैं क्या लिख लूंगा, mg sin theta by mass, और mass ने mass को कट कर दिया तो बचा कितना बच्चों, g sin theta। तो एक बात और अपने को समझ में आया कि जो inclined plane होता है बच्चों, inclined plane पे जो force होता है वो mg sin theta हो गया, और यहाँ पे जो acceleration आया वो g sin theta आ गया, ओके। तो ये इतनी बातें inclined plane के बारे में थी, आपको ये आना ही आना चाहिए, ये नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोट करो फटाफट और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर इतनी बातें समझ में आई है तो, है ना। तो ये इंक्लाइन प्लेन के बारे में ये सारी चीजें थी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको आना ही आना चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, है ना। और ये एमजी के दो कंपोनेंट, ठीक है, जितने, अच्छा एक बात और, जितना इंक्लाइन प्लेन होगा बच्चों जितने एंगल पे, उतना ही एंगल एमजी और क्या है बच्चों, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बीच में होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे mg की बात करा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, थीटा उसका एक कंपोनेंट एंड दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा है, है ना। तो चलो अब हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े और उसको हटा दें, ओके चलो मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, ये वाला पूरा पार्ट हटा देता हूँ। ये बात लेकिन आपको समझ में आया कि एक वैल्यू क्या है, जी साइन थीटा है, वो कहां सा है, ये एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा और एक कंपोनेंट क्या है, एम जी कॉस थीटा। इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, और ये इंक्लाइंड प्लेन पे एक छोटा सा क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं पहले। ये इंक्लाइंड प्लेन के बारे में हम लोगों ने इतना कुछ सीखा, एंड अब देखो बच्चों क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, इसको जो मैंने थीटा एंगल पर लाया तो ये कितने से एसिलेट हो रहा होगा, ये इधर की साइड एसिलेट हो रहा होगा जी साइन थीटा से, ये a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, g साइन थीटा होगा, ओके। और एक चीज और हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों कि अगर ये इधर इधर की तरफ कितना लग रहा होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा, इधर की फोर्स लग रहा होगा, ये बातें आपको अब याद रख लेना है, mg साइन थीटा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा अलोंग द प्लेन, और यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा भाई, वो लग रहा होगा mg cos थीटा, और इस पे n लग रहा होगा, है कि नहीं। तो ये फोर्सेस लग रहे होंगे जहां n बैलेंस कर रहा है किससे, mg cos थीटा को, ओके। अब देखो बच्चों आपसे पूछेगा कि ये लेंथ बताइए जो ये चला है, ठीक है, ये लेंथ बताइए कितना चला है। अगर मैं इसको बोल दूं ये जो लेंथ है यहां से लेकर के और c तक जो लेंथ है वो l है, और मैं बोल देता हूं कि ये जो ब्लॉक है बच्चों ये हमारा अभी कहां पे है, एक c पे है, ओके, ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास कितना है भाई, जिसका मास है m, ओके तो ये लेंथ l है। तो अब बताओ मैं क्या करूंगा बच्चों, ये लेंथ पूछ दे, पूछे कितने टाइम के बाद ये c से a पे पहुंचेगा, चलो ये भी निकाल लेते हैं, फाइंड द टाइम टू c टू कहां तक a तक पहुंचने में, एंड l l जो है ac की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू बताइए कितना होगा, ये दो चीजें अपने से पूछ रहा है बच्चों। तो देख रहे हो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, है ना। पहले तो हम लोग क्या निकाल लें, हमें टाइम तो पता नहीं है, टाइम कैसे निकालेंगे भाई, तो एसलेशन पहले निकाल लें हम, है ना, और फिर हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो चलो पहले तो L निकाल लो, L कैसे निकालोगे, L इक्वल टू क्या होता है भाई, L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ। अब A की जगह पे क्या बच्चों, A की जगह पे क्या है, चलो अभी लिख लेते हैं, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, तो L इक्वल टू कितना हो गया हाफ, और A की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, A की वैल्यू होगी जी साइन थीटा, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे G sin थीटा इंटू क्या T स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गई L की वैल्यू,
और अगर आपको यहां से टी निकालना हो कि कितना टाइम लगा सी से ए तक आने में, तो आप क्या लिखोगे, ये टी स्क्वायर था तो इसको आप क्या लिख लोगे बच्चों, यहां से क्या लिख लोगे आप, यहां से लिख सकते हो बच्चों क्या कि टी इक्वल टू क्या, 2L बाई जी साइन थीटा। ये टी स्क्वायर था और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, फिर टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट बच्चों कितना, 2L बाई जी साइन थीटा। तो ये बातें आप लिख सकते हो, है ना। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों टी की, 2L बाई जी साइन थीटा, एंड L की वैल्यू कितनी होगी, हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते बच्चों और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलो तो अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया टी इक्वल टू कितना, टी इक्वल टू मिल गया बच्चों 2L जी साइन थीटा। चलो नोट हो गया हो तो आगे बढ़े हम। बच्चों ये अगर नोट हो गया हो तो हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा एक चीज और है बच्चों, यहां से हम लोगों ने t की वैल्यू निकाल दी। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि इसकी हाइट भी दे दे, कह दे इसकी हाइट जो है बच्चों वो है h। इसकी हाइट दे दे h, तब क्या करेंगे हम लोग। तब देखो बच्चों यहाँ पे l, h और थीटा में क्या रिलेशन है, मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों, h बाई l, या l इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, h बाई साइन थीटा, है कि नहीं बोलो। और यहां पे अगर वैल्यू में पुट कर दूं तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अब मिल जाएगी t इक्वल टू 2, और l की वैल्यू कितना, h बाई साइन थीटा, और ये h बाई जी, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 अपॉन साइन थीटा और रूट में क्या, 2h बाई जी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर यहां पे टाइम पूछ दिया और h की वैल्यू दे दिया तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो क्या, टाइम की वैल्यू 2h बाई जी। और l निकालना है तो l आप यहां से निकाल सकते हो बच्चों, l की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सॉरी t की वैल्यू पुट कर दो तो l मिल जाएगा अपने को, है ना। तो ये इस तरीके से अपन लोग क्वेश्चन को करते हैं, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों, टैकल करते हैं। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग यूज करेंगे पुल्ली का, है ना, पुल्ली का यूज करेंगे बच्चों, और पुल्ली का यूज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं अभी हटा देता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है और क्या क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा देखते हैं बच्चों। चलो अब हम लोग थोड़ी पुल्ली की बात कर लें, पुल्ली वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लें, है ना। चलो देखते हैं बच्चों। बच्चों ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज अ इंक्लाइंड प्लेन। यहां पे पुल्ली लगाया गया है और एक ब्लॉक है जो कितने का है, 3 kg का है। इस पुल्ली से ऐसे कुछ करके, और यहाँ पे ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ये इंक्लाइन जो किया गया है वो 30 degree पर किया गया है। तो बच्चों आपको बताना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा एंड टेंशन कितना होगा, ठीक है। चलो तो ये बच्चों देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, जरा इसको हम लोग करते हैं। देखो बच्चों क्या है कि यहाँ पे कितने का ब्लॉक है, 2 kg का। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन करना बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना कि इसकी वैल्यू लिख लेना, है ना। तो इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 into g इक्वल टू कितना, 20 newton, है कि नहीं। यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा भाई, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो देखो कितना लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, mg, m की वैल्यू कितनी, 3, g की वैल्यू क्या, लिख लेते हैं जरा, लिख लेते हैं mg साइन 30 degree। ये इसका क्या लगेगा बच्चों, ये अपना फोर्स लगेगा इतना, ठीक है। और m की वैल्यू कितना है, 3g की वैल्यू है 10 sin 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना आया, आया बच्चों 15 newton। ये तो आया, यहाँ पे देखो 15 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है एंड 20 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, कौन बड़ा होगा बच्चों, 20 बड़ा कि 15, ऑब्वियस सी बात है 20 बड़ा होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था बच्चों नेट ड्राइविंग फोर्स की बात करेंगे हम लोग, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय क्या, टोटल मास, बाय टोटल मास। अब नेट ड्राइविंग फोर्स कितना लग रहा बच्चों, 20 इधर है और 15 इधर, उसको उतार कैसे भी रख लो, 20 इधर 15 इधर,
भाई 20,000 15,000 कितना बचा, 20 में से 15 क्या बचा, कितना 5 न्यूटन, एंड टोटल मास कितना है 3 2 कितना हो गया बच्चों 5, तो वैल्यू कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप एक बात देख रहे हो बच्चों, यहां पे 20 वाला ज्यादा था तो ये कितने से आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये नीचे की तरफ आएगा, और ये भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे टेंशन अगर निकालना हो, रस्सी में टेंशन कितना है, तो मैं निकाल सकता हूं क्या, टी इक्वल टू क्या लिखूंगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आता तो क्या करते हैं बच्चों एम जी माइनस ए कर लेते हैं। एम की वैल्यू कितना है 2, जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 1, तो कितना हुआ बच्चों 2 × 9 बोले तो 18 न्यूटन। ओके, ऐसे कर सकते हैं हम लोग फटाफट क्वेश्चन को। या फिर तुम अगर फार्मूला लगाना चाहते हो भाई, अगर तुम अपना फार्मूले वाले तरीके को फॉलो करना चाहते हो बच्चों, तो फार्मूला लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला भी देख लो बच्चों क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या है फार्मूले वाले तरीके देखें, यहाँ पे टी लगेगा, यहाँ पे टी लगेगा, चूंकि रस्सी एक ही है और आइडियल है तो टेंशन तो सेम जगह होगा, सेम होगा हर जगह। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इधर नीचे की तरफ है ना बच्चों, तो 20 ग्रेटर देन होगा टी से, तो मैं लिख सकता हूँ 20 - t इक्वल टू मास, मास 2 और एक्सेलरेशन 1, है कि नहीं बोलो। टी इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो 20 - 2 इक्वल टू टी, या टी इक्वल टू कितना 18 न्यूटन। तो तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, तुम यहां से निकालना चाहो बच्चों यहां से भी निकाल सकते हो। देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो टी ग्रेटर होगा तो टी माइनस कितना 15 इक्वल टू कितना 3 × 1 मास इंटू एक्सेलरेशन, टी इक्वल टू कितना होगा, इसको इधर ले जाओ 15 + 3 कितना 18 न्यूटन। तुम जैसे चाहो वैसे करो, हर जगह आंसर बच्चों वही आएगा, हर जगह आंसर क्या होगा सेम आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं, कैसे उसके कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। ओके, तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट करो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर ये हो गया हो तो नोट करो बच्चों और हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो अब हम लोग जरा दो ब्लॉक लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है ना, दो ब्लॉक लेकर हम क्वेश्चन करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओके, चलो बच्चों नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मैं हटा देता हूं, अब इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, और फिर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग दो ब्लॉक लेते हैं तो कि क्या होता है, है ना। चलो फिर से वही इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन। ओके, इस बार लेकिन ब्लॉक दो ले लेंगे हम लोग, इंक्लाइन प्लेन तो वही है बच्चों, इस बार हम लोग ब्लॉक दो ले लेंगे, है ना। और यहाँ पे पुल्ली लगी हुई है, ये हमारा 2 kg का ब्लॉक, ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि बच्चों दो ब्लॉक ले लिया, है ना, ये दो ब्लॉक हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग, हम लोगों ने अगर दो ब्लॉक ले लिया, यहाँ पे हमने 5 kg का एक ब्लॉक ले लिया, ये हमारा 5 kg का एक ब्लॉक है, ये 5 kg का है, ये हमारा 3 kg का है, और इंक्लाइन एंगल जो है वो 30 डिग्री है। अब देखो बच्चों अब क्या है, रस्सी दो है, एक रस्सी ये है, दूसरी रस्सी ये है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ T1 है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ टेंशन T2 है, है ना। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो हमें क्या बताना, क्या पूछ रहे हैं हम आपसे, हम पूछ रहे हैं आपसे एक्सेलरेशन बताइए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों एक्सेलरेशन बताइए, T1 बताइए एंड T2 बताइए क्या होगा, ये तीन चीज आपको बताना है, है ना। तो देख लो, सोच लो, समझ लो बच्चों, और फिर बताओ मुझे क्या होगा। मैं देता हूँ कुछ 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम, है ना, नॉट 2 मिनट्स, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या हो तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो सबके जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना लग रहा है बच्चों, 2 × g, 2g बोले तो 2 × 10 बोले तो कितना 20 न्यूटन। ओके, 20 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों कितना लग रहा है, ये पूरा तुम चाहो तो देख लो, यहाँ पे इसके वजह से कितना लग रहा है, इसके वजह से 5 कितना लगता है mg sin 30 डिग्री, तो m 5g की वैल्यू 10, sin 30 की वैल्यू 1/2, ये कट गया। ओके, तो कितना आया 25 न्यूटन, ये 25 न्यूटन यहाँ पे ऐसे लग रहा है। ओके, ये 25 न्यूटन ऐसे लग रहा है, यहाँ पे देखो कितना लग रहा है बच्चों, ये 3 × g की वैल्यू 10 × sin 30 डिग्री, तो 1/2 ये कट गया, तो कितना लग रहा भाई 15 इधर लग रहा है।
चाहे तो तुम ऐसे करो, चाहे तो इन दोनों को जोड़ के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तब भी वही वैल्यू आएगी। तो देखो बच्चों कितना है, 15 25 कितना लग रहा है टोटल, टोटल इधर की तरफ कितना लग रहा है, यानी 40 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, इधर कितना लग रहा है 20 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है। कौन बड़ा, 40 की 20, ऑब्वियस सी बात है 40। तो हम लोग जब बात करेंगे एक्सेलरेशन की तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स बाई कितना, टोटल मास बाय टोटल मास। अब नेट ड्राइविंग फोर्स क्या बच्चों, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आ रहा है, 40 न्यूटन इधर 20 न्यूटन इधर, 40 इधर 20 इधर, तो 40 में से 20 क्या कितना बचा 20, तो 20 ये हो गया बच्चों। एंड टोटल मास कितना है, ये 5 3 8 2 10, तो ये बच्चों आ गया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज देख रहा हूं बच्चों, ये ज्यादा फोर्स है इसके कंपेरिजन में, तो ये ब्लॉक किधर जा रहा होगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। ओके, तो देखो T1 तो निकालना बहुत ही आसान है, T1 निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 के लिए T1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, क्या m g प्लस a, और m की वैल्यू कितना है 2 है, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 2, तो कितना हो गया 24 न्यूटन। ओके, ये T1 की वैल्यू आ गई। अब T2 निकालना है मेरे को, तो T2 निकालो बच्चों। देखो इस वाले ब्लॉक उठाओ, इस वाले ब्लॉक उठाओ, ये 5 kg वाले ब्लॉक को मैं यहां बना लेता हूं। चलो ये 5 kg वाले ब्लॉक को मैंने बनाया, T2 इधर की तरफ लग रहा था, इधर कितना लग रहा था mg sin 30 degree, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 25, क्योंकि ये एसलेट हो रहा था इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, मैं बोल सकता हूँ कि 25 इज ग्रेटर देन T2 बिकॉज द नेट एसलेशन का जो डायरेक्शन होता है उधर ही हमारा नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या यहाँ से कि 25 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना, मास इनटू एसलेशन, बोले तो 10, एंड T2 इज इक्वल टू कितना आया, वो आ गया बच्चों 15 न्यूटन। देख रहे हो क्या है ना, और ये वाला फार्मूला हम लोग इंक्लाइन प्लेन के लिए नहीं लगाएंगे बच्चों, है ना, तो ये इंक्लाइन प्लेन है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, है कि नहीं बोलो। अच्छा, किसी को लग रहा है कि सर यहां से करके दिखाओ, 3 kg वाले से, 3 kg वाले से कर लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 kg का है। ओके, इधर T1 लग रहा है एंड इधर कितना लग रहा है, T2 लग रहा है। T1 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, वो 24 न्यूटन, लिख लो 24 न्यूटन। ओके, और एसलेट कितने से हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो मैं लिखूंगा क्या, T2 माइनस 24 इक्वल टू 3 2 6, तो T2 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, देखो T1 की वैल्यू कितनी आई थी 24 न्यूटन, और हमें निकालना है T2 की वैल्यू, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एसलेशन, तो हमने लिख दिया कितना, मास इनटू एसलेशन, ये आ गया 6। ओके, तो बच्चों ये T2 वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपका यहाँ पे 30 न्यूटन, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे बच्चों आ रहा है कितना 15 न्यूटन। तो जरा देखते हैं हम लोगों ने गलती क्या करा था। ओके, तो गलती कुछ तो कुछ हुआ होगा बच्चों, तभी ऐसा आंसर आया है, ये 30 आ गया, यहाँ पे 15 आया है, ये कितना हो गया mg sin 30, तो mg sin 30 कितना हो गया 25 न्यूटन। ओके, ये 25 न्यूटन आ गया, और इधर T2 की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 25 माइनस T2 इक्वल टू कितना, मास इनटू एसलेशन, मास कितना था 5, एसलेशन कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, T2 इधर गया, ये 3 इधर आया, तो आया 15 न्यूटन, बट यहां पे बच्चों कुछ मिस्टेक या तो हो रहा होगा, तो आंसर हमारा जो है गलत आ रहा है। अदरवाइज देखो एक चीज हम लोग क्या छोड़ रहे थे, यहां पे बच्चों ये इसका फोर्स भी तो लग रहा है नीचे, mg sin 30 degree। ओके, T2 प्लस ये दोनों लग रहा है ना, तो ये T2 कहां गया, 3 kg, T2 लग रहा है, और क्या लग रहा है बच्चों, और क्या लग रहा है, और साथ में लग रहा है कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा था, mg sin 30 की वैल्यू आ रही थी कितनी 15, तो ये 15 लग रहा है। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, यहां मैं लिखूंगा T2 प्लस 15 माइनस 24 इक्वल टू 6, तो अब देखो बच्चा कितना बचा, ये 15 है और ये 24 है ना, तो ये इधर गया 30 और ये इधर गया, तो कितना हो जाएगा 30 में से 15 घट गया, कितना आ गया बच्चों 15 न्यूटन। तो आप देखो बच्चों यहां पे ये वाला फोर्स छूट रहा था अपने से, है ना, तो यहां से भी देखो T2 आ गया,
50 न्यूटन, यहां से भी टीटीपी आ गया 50 न्यूटन। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है बच्चों, हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एक्सेलरेशन अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोट करो फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, और एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं अभी हटा देता हूं और दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं इंक्लाइंड प्लेन के लिए, देखते हैं बच्चों, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है ना। चलो, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इस बार हम लोग कर ये रहे हैं कि ये हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है, ओके रुक जाइए जरा, इसको मैं हटा दूं। ये इंक्लाइंड प्लेन हम लोग ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 37 डिग्री है, ओके, और ये हमारा 53 डिग्री है ना। और बच्चों यहाँ पे जो है ये 2 केजी है, ये हमारा पुल्ली और ये हमारा बच्चों क्या है 2 केजी, दोनों 2-2 केजी है, ठीक है। देखते हैं जरा क्या फर्क पड़ता है बच्चों, देखो जरा, ये 2 केजी, ये 2 केजी, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हम लोग जब भी फोर्स की बात करेंगे है ना, रुक जाओ बच्चों जरा, ओके। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे जरा देखते हैं। तो अब देखो, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 केजी है, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग ब्रेक कर दें है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा mg, m की वैल्यू कितना लिख लेते हैं बच्चों, mg sin 37 डिग्री एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों mg sin 53 डिग्री, ओके। तो m की वैल्यू कितना है, m की वैल्यू है 2, g की वैल्यू 10, sin 37 की वैल्यू कितना 0.6, ओके। देख लेते हैं जरा बच्चों sin 37 एंड 53 की वैल्यू। देखो बच्चों ये 37 डिग्री होता है तो ये रेशियो 3:4:5 का होता है, और ये 90 तो ये 53, तो साइन 37 की जब बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 या 0.6 लिख सकते हैं। एंड साइन 53 की जब हम लोग बात करेंगे, ये 53 तो ये कितना हो गया, ये 4/5 तो कितना 0.8, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.6, ये 6 हो गया, मतलब कितना आ गया 12 न्यूटन, ओके। 12 न्यूटन इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, एंड यहाँ पे कितना लगेगा बच्चों, यहाँ पे देखो 2 × 10 × 0.8 तो ये 8 हो गया, 8 × 16 तो ये 16 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है। तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर 12 न्यूटन इधर 16 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय कितना बच्चों, बाय टोटल मास की बात करते हैं हम लोग। नेट ड्राइविंग फोर्स कितना बच्चों, यहाँ पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना, ये 16 इधर 12 इधर तो कितना होगा, 16 में से 12 गया कितना 4, ओके, और यहाँ पे 2 और 2 4 तो कितना हो गया बच्चों 1 m/s², मतलब ये इधर नीचे की तरफ आएगा 1 m/s² से, ये ऊपर की तरफ जाएगा 1 m/s² से, ओके। अब हमें एक्सेलरेशन टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये वाला किसी एक को उठा लो, ये 2 केजी का ब्लॉक हमने उठा लिया, इधर लग रहा है कितना बच्चों, इधर लग रहा है 16 न्यूटन एंड इधर मैंने मान लिया टी, ब्लॉक किधर एक्सेलेरेट हो रहा है 16 न्यूटन की तरफ 1 m/s² से। और हम लोग जानते हैं जिधर नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है बच्चों, उधर ही नेट एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होता है। और यहाँ पे नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या बता रहा है, नेट एक्सेलेरेशन डायरेक्शन बता रहा है कि 16 न्यूटन ग्रेटर है टी से, तो मैं क्या लिखूंगा 16 − t = mass × acceleration 2 × 1 एंड t = कितना हो जाएगा 16 − 2 बोले तो 14 न्यूटन। तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई 14 न्यूटन, ये हमारा एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गया, क्या एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गया बच्चों 1 m/s². तो आप डायरेक्ट ऐसे लगाओ, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, कोई भी किसी भी तरह का इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करिए आंसर आपको मिलता जाएगा। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था है ना, जिसमें दोनों तरफ इंक्लाइंड प्लेन थे, इधर 53 डिग्री इधर 37 डिग्री, और 53 डिग्री और 37 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। तो बच्चों अगर ये बात समझ में आया हो तो तुरंत चमका दो, क्या चमका देना बच्चों, लाइक चमका देना है, कमेंट कर देना है एंड सब्सक्राइब कर देना है अगर समझ में आया हो तो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो है ना। चलो बच्चों तो नोट कर लो और इसको चमका देना है ना,
इसको अपने दोस्तों के साथ बच्चों इसको चमका देना है ताकि हर बच्चे तक ये बात पहुंच जाए, और इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।